हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डियर लाइफ। माय नेम इज़ पंकज शर्मा और आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ खास बात करने वाला हूं। यदि आप किसी कंपनी में काम करने वाले लीडर हैं, मैनेजर हैं, जिसके पास में टीम है, या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपके पास में कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, तो कभी कभी ये होता है कि हमारा जो डिस्कशन है वो कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्मेट में चला जाता है और हम नहीं चाहते हुए भी वो जो होता है इट टेक्स अ शेप ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट एंड जो कभी भी अच्छा नहीं होता मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। अब यहाँ पर जो चार इंपॉर्टेंट टेंडेंसीज हैं, अगर आप इसको समझेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप इन चारों लोगों के साथ में जो आपकी टीम में काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेंडेंसीज वाले होते हैं, उनके साथ में बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे कि आप उनसे उनका बेस्ट जो है वो ले सकें। तो सबसे पहली बात समझना ये है कि लोग गलत नहीं होते, लोग अलग होते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझना कि आपके वर्क प्लेस पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जो अलग विचारधारा रखते हैं, अलग मानसिकता रखते हैं, अलग थॉट प्रोसेस रखते हैं, तो वो लोग गलत नहीं हैं, वो लोग अलग हैं। तो जब आप इस नज़रिए के साथ में उनके साथ में बात करेंगे, डील करेंगे, इंटरेक्शंस करेंगे, मीटिंग्स में बैठेंगे, तो मेरे ख्याल से हम लोग एक मीनिंगफुल डिस्कशन, एक मीनिंगफुल जो आउटकम है उस तक पहुंच पाएंगे। तो मैं आपके साथ में ये चार टेंडेंसीज डिस्कस करने वाला हूं आज। तो सबसे पहली टेंडेंसी होती है कि आपने कभी देखा है कि आपके साथ में जितने लोग हैं आपकी टीम में, कुछ लोग कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करते। चाहे आप उनको कुछ भी काम दीजिए, कुछ भी टास्क दीजिए, वो हमेशा करने के लिए तैयार होते हैं। अब ये लोग वो लोग होते हैं जो दो तरीके से सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि अपने लिए सोचते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन जो होता है उनका, इंटरनल वर्ल्ड जो होता है उनका, अपने आप के साथ में क्या कमिटमेंट है, और दूसरा जो होता है जो एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है उनके साथ में उनका क्या कमिटमेंट है। तो ये अपने रिलेशनशिप हो, अपने काम हो, या किसी भी चीज़ को उस तरीके से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई टास्क दिया तो अगर आपके पास चार पाँच लोग हैं तो उसमें से एक या दो लोग होते हैं जो हमेशा उस काम को करने के लिए तैयार होते हैं, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते, दे डू नॉट थिंक मच, और वो उस काम को कैसे किया जाए उसके बारे में सोचते हैं। और ये लोग वो होते हैं उनके पास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करते ये आपसे, ये आपने टास्क दिया है, अगर उनके पास में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है कि करना क्या है, तो जब भी आप ऐसे लोगों के साथ में डील करें, उनको कोई टास्क दें, उनको कोई काम दें, तो यकीन मानिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए सो दैट दे कैन डू दैट वर्क जुडिशियसली एंड दे गिव यू द बेस्ट आउटकम ऑफ देमसेल्फ। दिस तो ये हुई पहली कैटेगरी। अब इन लोगों के साथ में चैलेंज क्या है, इन लोगों के साथ में ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि ये उस काम के सक्सेस और फेलियर के ऊपर ज़्यादा सोचते नहीं हैं, दे डू नॉट थिंक मच। तो उसमें कभी कभी ये गड़बड़ हो जाती है कि अगर मान लो वो टास्क में कुछ चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट हैं तो वो आप नहीं देख सकते, क्योंकि दे डू नॉट थिंक, दे क्वेश्चन नहीं करते, सवाल नहीं करते। अब जो दूसरी कैटेगरी के बारे में मैं आपसे बात करता हूं, तो ऐसे लोग होते हैं जो आपसे सवाल करते हैं। जब भी आपने कोई काम करने का बोला तो वो बोलेंगे ये क्यों करना है, यदि आपने बोला कि ये फॉर्मेट भर के आपको 20 तारीख तक देना है और आज 15 तारीख हो रही है, तो वो बोलेंगे 5 दिन में क्यों देना है, ये फॉर्मेट क्यों देना है, इसकी जगह और कोई फॉर्मेट क्यों नहीं हो सकते, इसमें जो पैरामीटर्स जो आपने डाले हुए हैं वो उसमें और कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं, दे आस्क सो मच। तो ये लोग वो लोग होते हैं कि ये बहुत सवाल करते हैं, ये सवाल इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है। तो ये लोग जो होते हैं हमेशा पूछते हैं आपसे। तो ये लोग आउटर वर्ल्ड के लिए और इंटरनल वर्ल्ड के लिए अपना, अपने आप से चाहे उनका जो भी कमिटमेंट हो, लेकिन बाहर वो बहुत सारे सवाल करते हैं, बहुत सारे जवाब चाहते हैं कि उनको क्लैरिटी मिले। तो जब भी आप ऐसे लोगों के साथ में डील करें तो कोशिश ये कीजिए कि पहले आप उनको सारा डाटा, इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, वो काम करना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में बात कीजिए, और उसके बाद में उनको टास्क देंगे तो वो उस काम को बड़े अच्छे से करेंगे। अब तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। अगर चार पाँच छः लोग आपके साथ में हैं आपकी टीम में और तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, तो ये लोग वो लोग होते हैं जो कि ओबलाइजर होते हैं, जो अपने आप के साथ जो भी कमिटमेंट होता है इनका उसको पूरा नहीं करते, लेकिन बाहर के साथ, बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ जो भी कमिटमेंट ये लेते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। और इसीलिए ये लोग वो लोग होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि एक समय होता है जब उनको फील होने लगता है कि मैंने जो कुछ किया बाकी लोगों के लिए किया, बाहर वाले लोगों के लिए किया, अपने लिए नहीं किया। तो अगर मान लीजिए इनको, उनका सेल्फ कमिटमेंट खुद से है कि उनको सुबह उठ के रनिंग करने जाना है, वॉकिंग करने जाना है, जिमिंग करने जाना है, तो ये इतने कमिटेड नहीं होते अपने आप के लिए। यदि बीच में किसी ने कोई टास्क दे दिया तो ये अपने काम को साइड में रख के जो भी टास्क दिया गया उसको करने जाते हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं ओबलाइजर। तो ये लोग जो होते हैं, और ये जो डाटा है, स्टडी सजेस्ट करती हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं जो ओबलाइजर होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम,
लंबे समय तक ये लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं और ये एक डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन बड़ा घातक होता है। तो देखिए कहीं आपकी टीम में तो ऐसे ओबलाइजर नहीं है, और अगर ओबलाइजर हैं तो उनके साथ में कोशिश कीजिए कि उनके साथ में जो उनका सेल्फ कमिटमेंट है, उनके इनर वर्ल्ड के साथ में जो उनके प्रोमिसेज हैं, कमिटमेंट्स हैं, वो उसको भी समय दें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो चौथी कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी है, ये वो लोग होते हैं जो रिबेलियस नेचर के होते हैं, और ये लोग बड़े स्कैरी होते हैं। अगर आप देखें अपनी टीम में तो उनको परवाह नहीं होती, ये अपने आप के साथ इनका जो भी कमिटमेंट हो लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में ये परवाह नहीं करते, ये सोचते नहीं है क्या अंजाम होगा, जो भी मन में आता है बोल देते हैं। तो ये लोग किसी भी काम को करने से पहले ना बोलते हैं, तो अगर आप उनको कोई टास्क देंगे कि ये काम आपको चार दिन में करना है तो सबसे पहले उनके मुँह से निकलता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ में जो रिबेलियस नेचर के होते हैं, उनका अपने आप के साथ में भी वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, वो थोड़ा सा पब्लिकली बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते, ये लोग वो लोग होते हैं जो कि एक साइलोज में ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं और सोसाइटी में, कम्युनिटी में कम मिलते जुलते हैं। तो ऐसे लोग अपनी वर्थ को बढ़ाना जानते हैं, ऐसे लोग नॉलेजेबल तो होते ही हैं और साथ ही साथ में ये लोग कम विजिबल होते हैं सोशल ओकेजन्स पे, मीटिंग्स में या सोशल गैदरिंग्स में। तो अगर आपकी टीम में रेबेलियस नेचर हैं तो रेबेलियस नेचर वाले जो लोग होते हैं बेसिकली वो जॉब तो करते नहीं हैं, तो वो लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो लोग बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग अपने हिसाब से दुनिया चलाना चाहते हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं तो बहुत कभी कभी अगर मान लो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तो थोड़े समय के लिए ये लोग जॉब करते हैं और बहुत जल्दी जॉब से क्विट कर लेते हैं। तो ये चारों टेंडेंसीज जो मैंने आपको बताई, अगर देखिए आपके टीम में ये चारों टेंडेंसी वाले लोग हैं कि नहीं है। अगर आप एक एचआर लीडर हैं, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मैनेजर हैं, अगर आप ये चारों टेंडेंसीज वाले लोगों को समझें तो आपको समझ में आएगा कि लोग गलत नहीं होते, लोग अलग होते हैं। तो जैसे सबसे पहली बात, अगर आपको इन चारों के साथ में डील करना है तो आपको करना क्या है, व्हाट शुड बी योर प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट शुड बी योर अप्रोच टू दिस ऑल फोर कैटेगरीज ऑफ पीपल, फोर टेंडेंसीज ऑफ पीपल। तो आप अपने आप को ठीक तरीके से प्रोग्राम करके जाइए, ठीक तरीके से प्लान करके जाइए, और जब भी आप इनके साथ में बात करें अंडरस्टैंड देयर टेंडेंसीज एंड देन प्लान अकॉर्डिंगली। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके काम आएगा, और यदि आपको लगता है कि ये काम का वीडियो है तो बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपकी टीम में भी ऐसे लोग हैं जो रिबेलियस नेचर वाले हैं, जो क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, जो आउटलायर है, जो, जो 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 हमेशा किसी भी काम के लिए मना नहीं करते, या ऐसे लोग हैं जो ओबलाइजर हैं, तो ये उनको भेजिए और उनको बताइए कि ये पर्सनैलिटीज़ होती हैं और आप किस पर्सनैलिटी में आते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप ये चारों में से किस तरीके की टेंडेंसी में आते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी टेंडेंसी क्या है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके काम आएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने लोगों के साथ हो सकता है ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।